हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद महमूद, यू आर वाचिंग पाकटेल। आज हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे पास दो हैंडसेट हैं, जो एक A15 है और एक A15S है। ये हमारे पास ओप्पो के जो मॉडल हैं, ये जो A15 वो 3/32 में है और जो A15S है वो 4 GB रैम और 64 GB SSD पे है। हम इसके मतलब बात करेंगे और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल है, जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम व्यूअर से जो अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं उसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे A15। अगर आप A15S देखनी अनबॉक्सिंग देखना चाह रहे हैं, ऊपर आई बटन दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इस पर हम साइड पर रखते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हमें अनबॉक्सिंग करने में देखने में क्या क्या मिलता है। इसके कुछ हाईलाइट फ्यूचर के बारे में मैं बात करता जाऊं तो यहाँ पे ऑल ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा ट्रिपल कैमरा डिज़ाइन इसका है और आपको 16.55 cm जो इसकी है, इसमें HD+ स्क्रीन दी गई है और इसमें जो स्क्रीन है इसकी वो 60.52 इंच की है और इसके साथ इसको आपको 4230 mAh की लॉन्ग बैटरी दी गई है और इसके साथ फिंगरप्रिंट दिया गया और एंड्रॉयड ये 11 है और इसके अलावा आपके साथ कोई हाईलाइट फीचर्स नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इतनी ख़ास चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई डब्बे पे। और डब्बे के जो सामने की तरफ वहाँ पर लिखा गया ये 3/32 है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेट की जो लुक वाइज डिज़ाइन दिखाया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। आइए व्यूअर्स, हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें क्या मिलता है। जी व्यूअर्स, हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें अनबॉक्सिंग में क्या मिलता है। हम इसके शुरू स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है, मैंने जो नोट किया है इसकी पैकिंग बहुत ही आला पैकिंग की गई है। अब इसको हम अनपैक करते हैं। ये दरअसल इसकी पैकिंग इसी वजह से है कि ये अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका जो पेपर है वो भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है और इसको हम साइड पे रखते हैं और अब इसको खोलते हैं। ये वाव, ये आईफोन की तरह उन्होंने पैकिंग दे दी है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे लोगो मिलता है, यहाँ पे लोगो मिलता है और यहाँ पे लोगो मिलता है। ओके, हम इसको साइड पे रखते हैं। ओके, तो हम इसका अनबॉक्स करते हैं तो हम देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। बुक्स काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे हमें जो सबसे पहले देखने को मिल रही है वो एक बैक केस है, जो कि मोबाइल का दिया गया है, बैक केस बैक केस है और जो हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें फाइनली डिवाइस मिलती है और यहाँ पे उठाने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, जिस तरह वीवो के या सैमसंग के मॉडलों में मिलता है बहुत ही अच्छा, वो यहाँ से पकड़ के हम उठा लेते हैं तो हमें यहाँ से ऐसे निकालना पड़ेगा। और इसकी जो हाईलाइट फ्यूचर बता दूँ मैं आपको, ओप्पो A15 है और ट्रिपल रियल कैमरा जो इसके मैंने बोले हैं पहले शुरू स्टार्टिंग वही कुछ लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। और बाकी इसकी ये कलर ब्लैक है, अच्छी कलर शेप में है, तो हम इसको अनबुक या पैकिंग में बाद में करते हैं। पहले हम देखने के हमें डब्बे में क्या देखने को मिलता है। डब्बे में हमें हैंड फ्री नहीं मिलती, एक अडाप्टर चार्जर मिलता है, एक केबल मिलती है जो कि मेरा ख्याल Type-C केबल, देख लेते हैं ये Type-C है या नहीं Type-C है केबल, मुझे नहीं लग रही ये Type-C हो, तो ये Type-C नहीं है, माइक्रो केबल है, 6600 केबल है, Type-C नहीं है। इसको साइड पर रखते हैं। डब्बे को फाइनली हम अब डिवाइस की तरफ जाते हैं और डिवाइस को देखते हैं इसको खोलने के बाद कि हमें कैसी नज़र आती है। हम डिवाइस की इस टेप को अनकैच ओपन करते हैं। ओके व्यूअर्स, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी की गई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। इसको हम ऐसे खोल के यहाँ पे रख देते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड स्टाइल है मुझे तो बहुत प्यारा लगा, लुक जो बैकग्राउंड लुक है इसकी देखें, बहुत ही प्यारी लुक है और बड़ा अच्छा स्टाइल है और इसमें गेसिंग है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये एक प्लास्टिक बॉडी है और ये इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। आजकल तो हमने देखा है दूसरे मोबाइलों के जो फिंगरप्रिंट है वो साइड पे आते हैं, लेकिन इन्होंने बैक पे दिया हुआ है। वीवो के जिस तरह लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके साइड पे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं
बाकी इसकी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। इस साइड पे उन्होंने वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है और पावर और वॉल्यूम का ऑप्शन दिया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सिम का दिया हुआ है, यहाँ पे दो सिम और एक एसडी कार्ड लग सकता है, और कुछ भी नहीं है। और जब बैक की साइड में देखें तो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक साइड पे एलईडी लाइट, जो कैमरा इन्होंने सेटअप दिया वो बड़ा प्यारा लुक दी हुई है, मुझे तो बहुत प्यारी ये लुक लगी। और यहाँ पे पेपर लगा हुआ है ओप्पो का, और जो इनकी होती हैं आई एम ए नंबर इन्फॉर्मेशन होती हैं। और हमें बैक साइड पे यहाँ पे 8600 केबल, जो आम मैक्रो केबल चार्जिंग मिल जाती है, और स्पीकर मिल जाता है, और हेडफोन की जगह मिल जाती है। और फाइनली हम इस डिवाइस को ऑन करते हैं, और ऑन करके बाकी इसका सेटअप स्टार्ट करते हैं। ये ऑन करते हुए सबसे पहले ओप्पो पावर्ड बाय एंड्राइड, क्योंकि इसमें एंड्राइड इस्तेमाल किया गया है। लुक स्पाइस के बाद करते हैं जब तक मोबाइल ऑन होता है। जो इसकी जो लुक स्पाइस डिज़ाइन है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और इसका डिज़ाइन, इसकी लुक मुझे तो अमेजिंग लगी है। और एक ये 3/32 है इसमें, और 4/64 भी आता है जो मैंने दिखाया था। और बाकी सेट लुक बड़ी स्टाइलिंग लुक का है, बड़ी इसमें लाइटिंग शायद कैमरे में आपको क्लियर नज़र आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैमरे लाइटिंग है पीछे की तरफ, और इसका ऑन होने का तरीका भी खुल गया। अब हम सेटअप की कर्व करते हैं फिर। जी फाइनली हमने इसमें एंड्रॉयड 7 कलर ओएस का इस्तेमाल किया गया है। वेलकम, गेट स्टार्ट पे जाते हैं, हमने इसकी सेटिंग तमाम कर ली है। अब हम स्टार्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसका जो डिस्प्ले है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। डिस्प्ले तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और HD एक डिस्प्ले है। ये HD 16.55 पे MM पे ये कलर पे डिपेंड है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, और इसका टच भी बहुत अच्छा है। और इसकी हम बात करें तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, और इसकी जो कुबाइस है और चलने की स्पीड भी बहुत अच्छी है। अब बोर्ड पे जाते हैं तो हमें ओप्पो A15 मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपको सामने है कलर एंड्राइड, इसमें 10 इस्तेमाल किया गया है। और ये इसमें जो अभी इस पास एंड्राइड 10 है, ये जो आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंड्राइड 10 है जो हम इस्तेमाल इसके अंदर है। तो इसके अलावा बहुत अच्छा है, 4 GB RAM, 3 GB RAM, और इसका IM नंबर तो सही है, सेट लुक्स वाइज सेट सही है। और ये डिफॉल्ट इसमें कुछ ऐप्स आती हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, और फेसबुक दराज ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और इसके अलावा बेहतरीन है, मोबाइल की लुक भी अच्छी है, और डिज़ाइन भी अच्छा है, और बेहतरीन है। अब हम इसके कैमरे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ कैमरे के सैंपल ले लेते हैं। अगर आप इसका कैमरे का फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो प्राइस बटन दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप इसका कैमरे का फुल रिव्यू देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अंदाजन सैंपल आपको देंगे, और उस सैंपल के दिखाएंगे हम। यहाँ पे ये देखें कैमरा इसका रखते हैं, और हम इसका अडाप्टर निकालते हैं, और इसके अडाप्टर ये देखें बहुत ही बारीक राइटिंग लिखी हुई है। हम इसकी कुछ फोटोज़ लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्लियर ही कर पाता है या नहीं। कैमरे का रिजल्ट वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी धुंधली आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट किया, अगर आप सेल्फी लेना चाह रहे हैं, अगर आप मतलब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं नॉर्मल के लिए, तो ये देखें कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, और इसकी जूमिंग भी बहुत अच्छी है। ये देखें मैंने अभी बुक्स की बनाई है, तो हमें ये देखें 4:32 भी नज़र आ रहा है, और इसके कलर बहुत प्यारे हैं, इसके फोटोज़ कलर बहुत प्यारे हैं, मोबाइल अच्छा है, इसकी लुक वाइज भी अच्छी है। ये मेरे पास एक पौधा पड़ा है, मैं कुछ उसके सैंपल लेके आपको दिखाता हूँ। ये देखें बहुत प्यारी पिक्चर ली हुई है, ये देखें, और जूमिंग भी बहुत अच्छा है इसका। देखें बेहतरीन कैमरा, आप किस प्राइस बजट में यही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन मतलब अच्छा कैमरा है। अब हम इसके मेन कैमरे का बता दें, ये मेन कैमरा 13 MP और इसके साथ दो लेंस लगे हुए हैं जो कि 2 2 MP के हैं, और साथ में एक LED लाइट है। और इसका जो फ्रंट कैमरा वो 5 MP है,
और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि इसका फेस आईडी किस तरह काम करता है। तो पहले हम फिंगरप्रिंट का देख लेते हैं टेस्ट करके। अभी मैं फिंगरप्रिंट ला रहा हूँ, इतना वर्क ही नहीं कर रहा है। 1 मिनट दोबारा लगा, ये देखते हैं। ये काफ़ी तेज़ है, वैसे थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें, नॉर्मली तो ठीक है, ये आपके सामने है, हम आपको दिखा रहे हैं इसका। ये देखें, हम बटन, ये फिंगर यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखें फास्ट है काफ़ी, ठीक है प्राइस के हिसाब से एक्सेप्ट करें तो ये बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट है। अब हम इसकी फेस आईडी का लगाते हैं, जो मैंने शुरू में लगाई थी। ये मैं फेस आईडी कर रहा हूँ, वो एक्सेस नहीं कर रहा। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं बिल्कुल इसके सामने हूँ और आपके सामने लाइट है, बैठे हूँ, नहीं कर रहा। ये देखें आप, कोई मेरी शक्ल ही आपको नज़र आ रही होगी। मैं ग्लास उतार के ट्राई करता हूँ, शायद ग्लास की वजह से नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये आप देखें, ये मोबाइल मैंने खुद इसके अंदर अपना फेस अनलॉक स्कैन किया था, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। मैं इसको मज़ीद नज़दीक करके देखता हूँ, नहीं इसका फेस वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक मेरे ख्याल के मुकाबले या इसमें ये सेट में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या मैंने जिस वक्त स्कैन किया था अपना फेस मेरे ग्लास लगे हुए थे, या उनकी वजह से ये ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन फिर इसको ग्लास लगाने के बाद तो इसको अनलॉक करना चाहिए, लेकिन ये ग्लास लगे हों फिर भी अनलॉक नहीं कर रहा। अगर ग्लास ना लगा हो फिर भी अनलॉक नहीं कर रहा। मैंने काफ़ी मरतबा ट्राई करके देख लिया है। अब हम इसकी जो पावर की बात करें, तो इसमें 3 GB रैम और इसमें 64 GB एस डी, 32 GB एस डी, यानी कि 3 32 है ये मोबाइल फ़ोन जो हमारे सामने है। और इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल की गई है वो है मीडियाटेक हीलो P35 है। ये एक अच्छी चिपसेट है इस प्राइस बजट में अगर देखा जाए। पहले में 30 35 35 35 हज़ार रुपये के जो सेट आते थे, वही उसमें ये चिपसेट इस्तेमाल की जाती थी। ये चिपसेट ठीक है, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो इस मोबाइल के तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप फेसबुक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आप यूट्यूब के वीडियो देखने के शौकीन हैं, और आप इसके अलावा कुछ भी नहीं है आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह के, तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। व्यूअर्स जी, मैंने इसका मुकम्मल टेस्ट किया, अब मैं अपना ओपिनियंस आपके क्या साथ शेयर करता हूँ। मेरा ओपिनियंस क्या है इस वक्त, मैंने जो यहाँ पे इस डिवाइस को चेक किया, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या आप टिकटॉक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और आप एक बेहतरीन गुजारे चला के एक वाइट कलर वाली सेल्फी, यानी कि क्ले नहीं, एक वाइट कलर, यानी कि वो आपको चिट्टा गोरा कर दे क्रीम पाउडर लगा के, इस तरह की अगर आप ब्यूटी चाहते हैं, तो ओप्पो को वैसे इसी ब्यूटी से में मशहूर है, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप थोड़े से गेमिंग लवर हैं तो ये बेटर नहीं है। और इसमें जो चिपसेट मीडिया टाक हेलियो P35 लगाया गया, वो इतना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप फोटो वगैरह वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। अगर आप गेमिंग के लिए, तो ये डिवाइस कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, गेमिंग के लिए कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन इसके जो आप गेमिंग खेलना चाहते हैं तो ये इस पे गेमिंग चलेगी भी, ऐसा नहीं है कि गेम नहीं चलेगी, लेकिन उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी जिस तरह आप चाहेंगे परफॉर्मेंस लेना। अगर आपको इस मोबाइल के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जो पाकटाल, सब्सक्राइबर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और नीचे तमाम लिंक्स दी गई हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ में जाके हमें फॉलो कर लें, अगर आप फेसबुक पे दे रहे हैं ऊपर तमाम लिंक्स दी हुई हैं। और ये वीडियो कंसिडर की है पाकटाल डॉट पीके से, जहाँ से आप मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज, हेडफोन, हैंड फ्री, और इसके अलावा आप ट्राईपॉड, रिंग लाइट्स, इस तरह की तमाम चीज़ें, और 7 डेज चेक वारंटी के साथ आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही प्राइस के, अच्छी प्राइस के साथ। अपना अपने गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। जल्दी हम अन्य बुक्स लेके आएंगे A15 A15 Pro की, इसलिए हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और हम इसका गेमिंग रिव्यू भी लेके आएंगे, इसलिए आप सब कुछ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना भी लोगों का ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द अपने उस्ताद में। इजाज़त, गुड बाय।